तो भाई फाइनली काफी टाइम बाद हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का हमें रिटर्न देखने को मिला आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और उन्होंने आखिर आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आखिर क्या कुछ हुआ, क्या इनका मैच होने वाला ऑस्टिन थ्योरी के साथ, सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो बस चैनल पे पहली बार हो तो भाई सारे लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें रिंग के अंदर आते हुए देखते हैं जॉन सीना। जैसे ही जॉन सीना आते हैं उनको इंटरप्ट करने जस्ट तुरंत ही आया था हमारे ऑस्टिन थ्योरी। फिर आई थिंक इन दोनों के बीच में करीब 10 मिनट से ज्यादा का इन दोनों के बीच में बहुत कमाल का एक प्रोमो सेगमेंट हमें देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं, देख भाई मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं, एक्चुअली तुम मेरे बचपन के हीरो हो। मैं और मेरी मॉम बचपन से ही तुझे देखा करते थे और तुझे देखकर ही मैं आज रेसलिंग के अंदर आया हूं, तुम मेरे गुरु हो। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं, चलो ठीक है आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूं, चलो ठीक है ये यूएस चैंपियनशिप बेल्ट के लिए क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। तो उसके ऊपर हमारे जॉन सीना का सिंपल यही रिप्लाई आता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कोई भी रेसलमेनिया के अंदर मैच नहीं करने वाला। तो फिर उसके ऊपर हमारे ऑस्टिन थ्योरी पूरा बुरी तरह से चिढ़ जाते हैं, उसके बाद जॉन सीना को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा तो बाल भी एक्चुअली गंजा है। भाई जब पिछले बार जॉन सीना आए थे तो एक्चुअली पता था कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रॉल उनको एक्चुअली किया गया, तो भाई इस बार वो कैप उठाकर भी दिखा दिए मतलब अपने बाल। जॉन सीना उसके बाद कहे भाई मैं तो नहीं करने वाला पर हाँ मैं जरूर एक गिफ्ट तुम्हें देना चाहता हूं, तुम तुरंत ही रिंग से बाहर निकल लो, अगर नहीं तुम निकलोगे तो फिर तुम एक पीस में नहीं जाने वाला रिंग से बाहर। उसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से 5 मिनट के करीब इन दोनों के बीच में एक बहुत कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है। उसके बाद एट लास्ट हमारे जॉन सीना ऑडियंस से पूछते हैं क्या तुम रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहते हो ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना का मैच यूएस चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, और इसके ऊपर पूरा ऑडियंस जो है सारा चीयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये मैच कंफर्म भी कर दिया हमारे जॉन सीना। वैसे मेरे ख्याल से अगर आप ये पूरा सेगमेंट देखे हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बस हो गया था सेगमेंट। दूसरा चीज, इस पूरे सेगमेंट के अंदर हमारे ऑस्टिन थ्योरी कितने कमाल का प्रोमो कट करते हैं, उसके बाद भी ऑस्टिन थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्चुअली मौका नहीं दिया गया इस प्रोमो के अंदर। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे प्रोमो से जो मिसिंग था, आई थिंक जॉन सीना को एक बार ए लगा देने का काम था हमारे ऑस्टिन थ्योरी, या फिर हमारे ऑस्टिन थ्योरी अटैक कर सकते थे जॉन सीना के ऊपर, पर डब्ल्यू वाले ने ऐसा कोई भी एंगल नहीं दिखाया। वैसे मैं आपको बता दूं इसके बाद बहुत शॉकिंग चीज हमें देखने को मिला, क्योंकि हमारे जॉन सीना वो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को यहां पर बुलाते हैं और उनको यहां पर बेस्ट विश करते हैं रेसलमेनिया के मैच के लिए। मतलब ये सब सारे सेगमेंट से आप मेरे ख्याल से समझ सकते हैं कि भाई यहां से तो हमारे रोमन रेंस का टाटा बाय बाय हो ही चुका है। वैसे आपको कैसा लगा जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी का प्रोमो, सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर से बता सकते हैं। भाई अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, सारे लोग भाई मेरे इंस्टाग्राम को बता सकते हैं, मैं सबसे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली चैट में भी बात करता हूं।